हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स आईएएस। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे एंड आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जनरल प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि हम ये जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन्हें हम जनरली निगलेक्ट कर देते हैं एंड एक्चुअल में मेंस एग्ज़ाम में इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी अप्रॉक्सीमेटली हर साल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो ये एरिया हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और मैं आपकी हेल्प करूँगा इसे प्रिपेयर करने में एंड होपफुली हम कोई एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ के नहीं आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इसमें हम सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रेंड्स, ये सारा एनालिसिस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीमिज्म के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे पहला टॉपिक है एक्सट्रीमिज्म, इसमें आ जाएगा टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, नक्सलिज्म, ये सारा कुछ। इसके बाद एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट थ्रेट्स। थर्ड टॉपिक हमारा होगा साइबर सिक्योरिटी। फोर्थ होगा मनी लॉन्ड्रिंग। फिफ्थ होगा बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्स्थ होगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड सेवन्थ होगा सिक्योरिटी एजेंसीज एंड फोर्सेस। इससे जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, सो वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स। ओके, सो आई हैव स्प्लिट दीज टॉपिक्स फॉर यू। एक्सट्रीमिज्म में अपने सिक्स टॉपिक्स हैं जो मेनली हम कवर करेंगे, टेररिज्म, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, मॉब वायलेंस, सोशल मीडिया एंड वायलेंट एजिटेशंस। मॉब वायलेंस आ गया इसी में। एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसमें से बैकग्राउंड हो गया जो भी चाइना एंड पाकिस्तान का फैक्टर है, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा बांग्लादेश से वो, एंड जो रोहिंग्याज म्यांमार से वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, रोल ऑफ कॉरपोरेट्स और जो एनजीओज होते हैं एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका सारा रोल डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स हम देख ही चुके हैं क्या क्या हैं, इनको डिटेल में हर जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वीडियो में इनिशियली हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे, तो एनालिसिस देखते हैं। 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का, तो हम 2013 से 2020 तक के जो मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका पैटर्न देख लेते हैं। 2013 में 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आए थे, 50 मार्क्स वेटेज था, आउट ऑफ 250 सब्सटेंशियल पार्ट है। 2014 में 12.5 मार्क्स इंटू 5 क्वेश्चन, 62.5 मार्क्स वेटेज टोटल। 2015 से लेके 2020 तक कंटिन्यूसली 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे हैं। 15-16 में 12.5 मार्क्स क्वेश्चन आते थे तो 4 क्वेश्चंस, एंड 2017 से जो पैटर्न है वो 15 मार्कर्स 2 क्वेश्चंस एंड 10 मार्कर्स 2 क्वेश्चंस, तो टोटल 30 प्लस 20 जो ओवरऑल स्कोर बनता है वो 50 मार्क्स का बनता है। एंड आपको पता होगा कि इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं जनरल स्टडीज में। तो आगे देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपकी ईज के लिए, मैंने ये दे दिए हैं, डिस्कस नहीं करूँगा। आप चाहते हैं इन्हें पढ़ना तो आप नीचे वीडियो में लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। इनका एनालिसिस हम करेंगे हर टॉपिक के साथ में, जैसे भी जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से जो भी, फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म है तो नक्सलिज्म से जितने भी क्वेश्चन आए हैं 13 से लेके 20 तक में वो सारे हम नक्सलिज्म में डिस्कस करेंगे, कुछ बीच में, कुछ स्टार्टिंग में एंड कुछ लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये दे रखे हैं 2013, 2014 के, 2015, 2016, 2017, 2018, 19 एंड 20 के। तो हमें सोर्सेज क्या क्या रेफ़र करने हैं, अभी टाइम तो बचा नहीं है बहुत ज़्यादा कि हम ज़्यादा कुछ पढ़ पाएँ, तो आप प्लीज़ ये जो पीपीटी है इन्हीं पे फोकस कीजिएगा, मैं इनकी पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। इफ़ इसके बाद अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं
तो ये सारे सोर्सेस दे रखे हैं, IDSA की वेबसाइट, ORF प्लानिंग कमीशन की 2008 की रिपोर्ट है नक्सलिज्म पे, सेकेंड ARC की रिपोर्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो भी कंपाइलेशन मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो ये सारा वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने सारा कुछ कवर कर रखा है इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सट्रीमिज्म के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर मेरा कंट्रीब्यूशन अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट है तो बताइए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसे इनकलकेट करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।